निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये एंगल की तहकीकात की जाती है और जहाँ ये सामने आएगा कि इसके टेरर लिंक्स हैं उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। आपका सवाल था कमाई, कि ड्रग्स की की कमाई जो है तो उसमें भी एनडीपीएस मतलब जो ड्रग्स से जनरेट की गई एसेट्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एनडीपीएस में विशेष प्रावधान है और वो प्रावधान अप्लाई करके जो जैसे मैंने आपको अंबरनाथ के फैक्ट्री वाला बताया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी कोर्ट के निदर्शन में लाके अटैच की गई है। तो ये कार्रवाई हर केस में एविडेंस जैसे मिलता है उस अनुसार कर की जा रही है। सर सवाल ये था, क्या इससे कमाई करने वाले लोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए उन फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ऐसी कोई चीज अभी तक सामने आई है? मैंने आपको मैं दोहरा रहा हूँ मैंने जो बताया तो ड्रग्स बेचना भी एक तरह से समाज और देश के खिलाफ ही काम है और एनडीपीएस एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे और लिप्त उसमें नार्को टेररिज्म का एंगल जहाँ सामने आएगा तो यूएपीए में भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।